पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने डिजिटल व्यवहारांना चालना दिली. लोकांनी त्याला चांगला प्रतिसाद दिला असून नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारांमध्ये 58% वाढ झाली आहे. पनवेलसह रायगड जिल्ह्यातही कॅशलेस व्यवहारात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. पनवेलमध्ये कधी काळी 8 ते 9% कॅशलेस व्यवहार होत होते, तर ते प्रमाण आता 24% झालंय. नोटबंदीनंतर टोल नाक्यांवर भाजीवाले चहावाले सगळे जण कॅशलेस व्यवहाराकडे वळत आहेत, त्यामुळे डिजिटल व्यवहारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. नोटबंदीच्या आधी रायगड जिल्ह्यात अवघे 2 ते 3% व्यवहार कॅशलेस होत होते, पण ते प्रमाण आता 25 ते 30% झालंय. नोटबंदीचे जिल्ह्यातील लोकांनी स्वागत केले असून कॅशलेस व्यवहारांच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत आहे. जिल्ह्यात कॅशलेस व्यवहारांना चालना आणि प्रशिक्षण देण्यात महत्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या भाजप महिला मोर्चाच्या जिल्हा सरचिटणीस हिना भक्ता यांनी याबाबत महिला टीव्हीशी संवाद साधला. आज 8 नवंबर बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को रात को 12 बजे हमारी मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने जो 500 और 1000 की नोटें बंद करके हमें एक बहुत बड़ा झटका दिया था, और वो टाइम पे हम लोग सब शॉक में थे. लेकिन 8 नवंबर 2017 आया, और एक साल के बाद में जब हमें पता चला कि ये मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है वो एक मामूली कदम नहीं लेकिन ऐतिहासिक कदम था नोटबंदी का. कैश विरहित व्यवहार जब ये हुआ तो हम लोगों ने भी रायगढ़ में हमारे आमदार प्रशांत दादा ठाकुर के साथ में ये प्रसार और प्रचार किया कि कैशलेस व्यवहार हमारे देश के लिए और हमारे लिए कितना जरूरी हो, और हमने उसके लिए जागरूकता के लिए पनवेल में हमने एक बहुत ही बड़ा सेमिनार योजा था कि कैशलेस व्यवहार हमारे फायदे में ही है, एक्सेप्ट करने को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जनता हमारे साथ में आई और हमने ये प्रोग्राम सक्सेसफुल करके दिखाया. वो प्रोग्राम में रानी द्विवेदी मैडम, प्रतीक जी कारपे, देवांग जी दवे, वैसे वैसे जो बड़े जानकार थे अर्थशास्त्र के, वो लोग आके उन्होंने एक्सेप्ट किया. और उसके बाद में हमें भी प्रसन्न दादा के सपोर्ट की वजह से शिवकर गांव हमने पूरा कैशलेस किया. उसके बाद में हमने खोपोली, खालापुर, करजत, पनवेल तालुका, जैसे कलम बोली है, खारगर है और पनवेल में कैशरित व्यवहार का प्रसार और प्रचार किया.